हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन चैनल अन अकेडमी पर, और मैं अन अकेडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर कैनव सगाव। चलिए, समय हो गया है आपके साइंस एंड टेक के सेशन का, और आज क्या लेकर आई हूँ आपके लिए मैं सेशन में, चलिए देखते हैं। गाइज, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है डेली आपको कुछ ना कुछ, जो भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वट एवर द कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू कवर दैट कंटेंट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। वो हम पिछले हफ्ते से कर गए हैं, वो मैंने आपको सीरीज जो है शुरू करवा दिया था। अब तो उसी सीरीज में, एक मिनट गाइस, जी, तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगला पार्ट, जो मैंने लास्ट फ्राइडे खत्म करा था, तो उससे अगला पार्ट आज हम खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और क्या है आज हमारी क्लास में। हेलो असीम, रोनित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, तो पहले आपको बस दो मिनट लूंगी बताने के लिए, नमस्ते असीम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ये बताने के लिए कि ब्लड टेस्ट सीरीज में हमारे पास अभी ये पूरा आपके पास शेड्यूल आ चुका है, ये आप नोट कर लें और अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस टेस्ट सीरीज को, प्लस टेस्ट सीरीज है प्लस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पहला तो ये आप नोट कर लें, दूसरा ये प्लस सीरीज प्लस फीचर्स सारे उन बच्चों के लिए जो अभी भी हमारे अन अकेडमी के मेंबर बने हैं, और ये कोर्सेज अभी ऑलरेडी अगले साल के लिए हम लोगों ने शुरू करा है, जिसके अंदर मैं साइंस एंड टेक आपका लेकर आ गई हूँ, ठीक है। और बाकी के ये कोर्सेज हैं, ये अगले साल के एग्जाम्स के लिए हैं, और उसके अलावा ये सारे एग्जाम जो आपके पास अभी लिस्ट है, ये सारे अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग एनरोल कर लीजिए। और अगर कोई बच्चा अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए है, तो मेरा कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज, राइना टेन, ठीक है, दिस इज योर अन अकेडमी। चलिए शुरू करती हूँ आज का कंटेंट। गाइज, मैंने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें मैं पूरे साल के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको करा रही थी कि पूरे साल में कौन कौन सी चीजें थी जो चर्चा में थी, ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, तो लास्ट फ्राइडे को मैंने ये सब कवर किया था, दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल, एक नया प्रकार का गेंदे की किस्म, और गेंदे के अंदर क्या खास बात है, कैरोटीन कंटेंट मैंने आपको सब पढ़ाया था फ्राइडे को। उसके अलावा ये काजू की नई वेराइटी, क्या फायदा है, क्या क्या इससे कहाँ डेवलप हुआ, ये सब मैंने आपको फ्राइडे में करा दिया था, और 837 व्यूज मिले हैं मुझे उस वीडियो में। और इसके अलावा ये घास, पोखली, गाइस, चावल, मिर्च, ये कौन कौन से केले, ये सब आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछा जा सकता है। मोइना बनाना, यानी कि मोइना केला क्या होता है, हरमन चिल्ली क्या होता है, कहाँ पाई गई है, क्या खास बात है उसके अंदर, ठीक है। और एक मधुमक्खी जो मैंने आपको बताई थी, यूफ्रांटा सिरुवनी, सिरुवनी की पहाड़ियों में ये नई प्रकार की प्रजाति मिली है, इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि तमिलनाडु के सिरुवनी पहाड़ी में। बच्चों देखिए, कोई भी चीज अगर चर्चा में है तो वहां से रिलेटेड ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं, ये मैंने अपने पिछले कई साल के अनुभव में देखा है। मान लीजिए कोई जगह, कोई चीज मिली है कहीं पर, तो वहां से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आज का सीरीज शुरू करती हूँ। आज जो पहला आपको याद रखना है बच्चों, एक नया कछुआ, और ये एक नया एक्शन प्लान सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा ये शुरू किया गया, ये है नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान। आपको मैं बता दूं, भारत में, आपको मैंने पहले भी कहा था इसकी दो तरह के कछुए होते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से यहां सुनिएगा बात को। पहला होता है पानी का कछुआ, जिसको आप बोलते हो टर्टल, नाम में भी फर्क है, जो पानी के अंदर, जिनके अंदर पैर नहीं होते, जिनके अंदर फ्लैप्स होते हैं बत्तख की तरह, तो टर्टल हम कहते हैं पानी वाले कछुए को, पानी वाले को जो पानी के अंदर रहता है। ये वाला जो टर्टल होता है ये मांसाहारी होता है गाइस, ये कार्निवोरस होता है, ये क्या करता है, ये मांस खाता है। और जो आप जिसको बोलते हो टॉर्टॉइस, ठीक है, टॉर्टॉइस क्या होता है, ये जमीन का कछुआ होता है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है, 500-600 साल ये जी जाते हैं, 500 इयर्स तक इनका लाइफ साइकिल हो सकता है। ये शाकाहारी होते हैं, ये जमीन पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जहां पर भी पानी थोड़ा आवास ऐसा है इनके लिए रहने लायक, वहां पर आपको मिलेंगे। तो भारत के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा समुद्री कछुआ, और इसके अंदर जो समुद्री कछुआ है उसकी 5 प्रजातियां मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनमें है ऑलिव रिडली, ठीक है, ये 5 प्रजातियां हैं जो आपका मैराइन कछुए में आती हैं, बात समझ में आ गई। और बच्चों ये अकेला ऐसा कछुआ है जो फ्रेश वॉटर है, ये वाला, ये बाकी सारे खारे पानी के हैं, यानी कि समुद्री पानी में रहते हैं, और ये ताजे पानी का, इंडिया के अंदर केवल एक ही है जो ताजे पानी का कछुआ पाया जाता है, उसका नाम आप याद रखें, बटागुर कछुगा, ये है आपके सामने फोटो लगी हुई है, बटागुर कछुगा, ठीक है। ये इसकी जो पूरी कवर होती है, जो फ्लैप होता है, ये पूरा लाल कलर का होता है,
और भारत के अंदर ये चंबल, आपने नाम सुना होगा चंबल सेंचुरी का, आपने नाम सुना होगा, तो चंबल सेंचुरी के अंदर गाइस ये पाया जाता है। अकेला भारत का एक ही प्रजाति है जो फ्रेश वाटर टर्टल के अंदर, यानी कि इंडिजिनस स्पीशीज भारत की, आप जिसको कहते हो कि भारत की अपनी स्वयं की प्रजाति। हाँ, मोयरा बनाना का जीआई टैग हुआ है असीम, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और मोयरा बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जो केला हम लोग खाते हैं उस केले के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन अगर जो कंपेयर किया गया न्यूट्रिशनल वैल्यू का, तो मैग्नीशियम, सेलेनियम और सल्फर की क्वांटिटी मोयरा बनाना में कहीं ज्यादा मिली एज कम्पेयर टू अदर बनाना, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा जी, तो ये कहाँ पे, ये वाला जो फ्रेश वाटर कछुआ बच्चा है कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है चंबल का जो सेंचुरी है भारत में, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, भारत में जो 5 समुद्री कछुए हैं जो अक्सर अंडे देने आते हैं, तो उसमें आता है ऑलिव हेडली। ऑलिव हेडली जो है बच्चा जी, ये उड़ीसा की तरफ है। उसके अलावा चलोनिया, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगर हेड और लेदर बैक। लेदर बैक में तो यूपीएससी पे क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। लेदर बैक क्या है, लेदर बैक ऐसे करके आपसे पूछ लेंगे। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें आपसे चिड़िया की प्रजाति के बारे में पूछा गया था, उसका नाम दे दिया गया था, और फिर आपसे पूछा था ये क्या चीज है, कछुआ ये बर्ड है, ये कीड़ा है, ये कोई सिल्क वॉर्म क्या है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हल्का सा अपने दिमाग में फिट कर ले आप, ताकि जब पेपर में वो आए तो आपको सारा याद हो जाए। तो लेदर बैक कछुए का नाम है भारत का, और ये सारा का सारा IUCN की एंडेंजर स्पीशीज के नाम मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे के सारे IUCN के अंदर कैटेगराइज्ड है। लॉगर हेड हो गया, हॉक्सबिल हो गया, ऑलिव रिडली हो गया, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने अभी नया मैराइन टर्टल एक्शन प्लान शुरू करा है, जिसमें ऑलिव रिडली को पूरा जगह दिया जाएगा कि वो अपने अंडे से सके, कोई जानवर उसके अंडों को ना खा जाए, और उसकी प्रजाति को जो है वो बचाया जा सके। चलिए अगला जानवर का नाम आपको बताती हूँ बच्चों। ये छिपकली है और नाम के आगे लिखा हुआ है अरुणाचलेंसिस क्रिप्टोडिक्टेलस। बच्चों ये क्राइटोडिक्टेलस जो है ये छिपकली है। क्या है ये, लिजर्ड है, जैसे आपके हाउस में लिजर्ड होती है, तो बहुत छोटे साइज की ये छिपकली है। और छिपकलों को हम जो टेक्निकली बायोलॉजी में एक शब्द बोलते हैं, वो हम बोलते हैं गेको। अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम गेको क्या चीज होती है, तो बच्चों गेको हम कहते हैं छिपकली को, छिपकली। ठीक है, ये गेको छोटे प्रकार की छिपकली होती है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई गई है। और इनके अंदर सबसे खास बात ये है बच्चा जी कि ये नॉक्टर्नल है, यानी कि रात की शिकारी है। ये रात को निकलती है और जितने भी चट्टानी एरिया है, पहाड़ी, सूखी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये बाहर आकर कीड़े मकोड़ों को खाती है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये आप जब भी किसी नई प्रजाति को खोजते हैं, ठीक है, भारत के अंदर जो 2 संस्थान है, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एनिमल्स की प्रजातियों को खोजता है और पौधों की प्रजातियों को खोजने के लिए जिम्मेदार होता है, BSI यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि ये नई नई प्रजातियां कौन खोजता है, इनका नामांकन कौन करता है, इनका कैटेगराइजेशन कौन करता है। तो जानवरों के लिए मैंने आपको बताई ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और पौधों के लिए मैंने आपको बताई बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में कई बार आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में नई एनिमल्स की प्रजाति को कौन फाइनलाइज करता है। चलिए अब आपके सामने एक अजीब सा ये काला काला कुछ दिख रहा है, क्या है ये बच्चों, ये एक नया प्रकार का टिड्डा है। टिड्डा यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो ग्रास हॉपर। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ बच्चों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 116 साल बाद ये दिखाई दिया है दोबारा। ये टिड्डे की नई प्रजाति है, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे पत्थर का टुकड़ा हो ये, और ये इंडियन नहीं है गाइस, सबसे बड़ी बात। हेलो अनीता जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये इंडियन नहीं है, ये श्रीलंका में पाया गया है, और श्रीलंका के अंदर सिंह राजा जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, उनके अंदर ये पाया गया है। और ये भारतीय है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे भारत में एक 28 साल के इंडियन बायोलॉजिस्ट है धनीश भास्कर, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है क्लैडोनोटस भास्करी। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास, और जो बाकी बच्चे मेरे साथ ग्रुप पर रहे हैं उनको हम ये नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है,
तो ये धनीश भास्कर आपके भारत के बोटेनिस्ट उनके नाम पे इसको रखा गया। इंडिया में नहीं मिला, ये कहाँ मिला बच्चा जी? ये मिला है श्रीलंका के वर्षावन यानी के सिंह राजा रेन फॉरेस्ट के अंदर। आप नोट कर लीजिए प्लीज इंफॉर्मेशन, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद लिस्ट में अगला नाम आता है एक पौधे का। ये पौधा नहीं है, ये है कमल का फूल। कमल की एक नई प्रजाति है। आपको पता है कि कमल के फूल को हम ज्यादातर कहते हैं लोटस या लिली, ठीक है? तो ये एक लिली की नई प्रजाति है। और बच्चा जी ये इसको कहा गया है जंगली सनरोज। इसका जो नॉर्मल नाम है वो है वाइल्ड सनरोज, जंगली सनरोज। ये पाया गया है आपका आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न घाट्स के अंदर। देखिए भारत में हर साल आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और आपका नीलगिरी, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर हर साल कुछ ना कुछ नई प्रजातियां फाइंड आउट होती रहती हैं। तो ज्यादातर जो हमारे भारत के बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट है उनका ध्यान इसी तरह रहता है कि कुछ नया मिल जाए। पिछले साल एक इतना सा मेंढक मिला था हमको जो अंगूठे पे बैठ सकता था, और ये दुनिया का ऐसा मेंढक है जो केवल साल के एक हफ्ते के लिए धरती से बाहर आता है। तो हमारे भारत की ही एक महिला जूलॉजिस्ट ने उनको खोजा था और वो बेचारी कई साल से लगी हुई थी कि मैं जो हूँ उस मेंढक को निकालूंगी और मेंढक के ऊपर पूरा रिसर्च करूंगी। साल में केवल 6 दिन के लिए वो धरती से बाहर आता है, तो फाइनली इसको खोजा गया। तो बच्चों आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में मिला है। इसके अंदर खास बात ये है, मैं आपको बता दूं कि बच्चों इसके अंदर जो है ये फूल जो है देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई सब्जी टाइप हो। इसके अंदर रूट्स है, ट्यूबरस रूट्स है यानी कि सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब समझते हैं जैसे कैक्टस। कैक्टस का जो पौधा होता है वो बिना पानी के भी उपज जाता है। आपको अगर उसे कहीं बोना है तो उसके लिए आपको मिट्टी का बहुत जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसकी ये ट्यूबरस टाइप रूट है इसकी। इसके अंदर कोई बाल नहीं है, पिंक कलर का है, बीज इसके अंदर पाए जा रहे हैं। इसके अंदर कोई खुशबू नहीं है इस फूल के अंदर, लेकिन हाँ ये फूल जो है बहुत सुंदर है देखने में। और ये कई महीनों तक, इसकी जो खास बात ये है कि कई महीनों तक एक बार खिल जाएगा तो कई महीनों तक खिला रहेगा। ये नहीं एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मुरझा जाएगा, नहीं। ये जैसे आपने हिमालय में फूल मिलता है ब्रह्म कमल, आपने उसके बारे में सुना होगा कहानियों में, किस्सों में उसके बारे में सुना। ब्रह्म कमल जो है वो कई महीनों तक खिला रहता है और कई साल बाद खिलता है। तो उसी प्रकार का ये फूल है, ये फूल जो है कई महीनों तक लगातार खिला रहता है। खुशबू उसमें कुछ होती नहीं है और ये खिलता है आपका जून से फरवरी तक, ठीक है? बहुत छोटे छोटे महीने और 8 महीनों तक लगातार ये पौधे फूल देते रहते हैं। और इसकी मैंने आपको सबसे खास बात क्या बताई कि ये कैक्टस के पौधे की तरह प्रॉपर रूट होती है, लेकिन कैक्टस के पौधे की तरह बिना पानी के जो सूखी चट्टाने होती है गाइज, ये वहां पर भी सरवाइव कर जाता है। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कैक्टस के फूल हो, लेकिन ये कैक्टस का फूल नहीं होता है। इसका नाम क्या बताया हमने? हमारे भारत के एक बोटेनिस्ट है लाल जी, बड़े मशहूर हैं बोटेनिस्ट लाल जी। लाल जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है पोर्टुला का लाल जी। इसका नाम भी आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोर्टुला का लाल जी। ये हमारे भारत के बोटेनिस्ट हैं, रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया पोर्टुला का लाल जी। चलिए अगला बताती हूँ बच्चों, ये एक मछली है और ये जो मछली है आपकी ये नई ताजे पानी की मछली है। जो देखिए बंगाल तो आजकल वैसे ही चर्चा में है दीदी की वजह से, चुनाव की वजह से, तो बंगाल की कोई चीज हम क्यों छोड़े। तो बंगाल में जो गंगा बहती है आपकी, गंगा सागर वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां पर ये नई मछली की प्रजाति आपकी मिली है। उसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप इसको घर के तालाब में भी पाल सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनलैंड वाटर बॉडीज, यानी के आप इसे घर के अंदर भी, मतलब के अपने तालाब बनाकर वहां पर भी आप इसका पिसिकल्चर कर सकते हैं। और ये कहाँ पर मिला बच्चा जी आपको? ये मिला है बंगाल में नहाटी से। नहाटी एक जगह है बंगाल में, वहां से आपको मिला है। ये अपनी प्रजाति से अलग क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा चपटी है, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, और इसके पास इसके जो पंख है उसमें 6 ब्रांचेस है। इसमें सबसे मेन बात ये बताया मैंने आपको, इसकी जो टेल ब्रांच है उसके पास 6 ब्रांचेस है, ठीक है? अगला बताती हूँ आपको, इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई, इंडिया की सबसे बड़ी तितली। आज तक हम मानते आ रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो तितली है वो है सदर्न बर्ड विंग। सदर्न बर्ड विंग नाम है चिड़िया का। आज तक हम जो मानते आ रहे थे सदर्न बर्ड विंग मिलती थी इंडिया में नीलगिरी में। नीलगिरी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच का एक एरिया है और काफी ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको मिलते हैं।
तो बच्चों अब ये आपको मैं बता दूं 88 साल बाद ये तितली दोबारा नजर आई है, इसलिए इसने अपना अपनी तरफ ध्यान खींचा है। ये मिली है आपके उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ियों में, हिमालय जो आपका फुट हिल्स है हिमालय का, वहां पर ये मिली है हिमालयन बटरफ्लाई। इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ये बर्ड विंग प्रजाति की है, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी तितली होती है और भारत की अब तक की सबसे बड़ी तितली है, लार्जेस्ट बटरफ्लाई। 88 साल बाद मिली है इसका। जब पंख ये खोलती है तो पंख खोलने के बाद इसका साइज हो जाता है 194 mm, और 194 mm का मतलब आप समझते हैं कि लगभग 2 cm का इसका विंग स्पैन हो गया है ना, 100 mm मतलब 1 cm, तो दो इसका जो 194 है वो आप ये मान के चलिए कि आपका कम से कम ये कई इंचेस का, बहुत सारे इंचेस का इसका लाइफ स्पैन हो गया, विंग स्पैन हो गया। और इससे पहले रिकॉर्ड था सदर्न बर्ड विंग के नाम पे। IUCN ये मान चुकी थी जब कोई प्रजाति 50 साल तक नजर नहीं आती है तो IUCN कोशिश करती है कि भाई अब इसको एक्सटिंक्ट की हम दर्जे में डाल दें, लेकिन 88 साल बाद फाइनली ये तितली आपको दोबारा नजर आ गई। चलिए अगला बताती हूँ आपको, ये एक और तितली है, ये है द ब्रांडेड रॉयल। देखिए नाम में ही कितनी इसके अलग सी बात है, अगर ये पेपर में आ जाए कि द ब्रांडेड रॉयल क्या चीज है तो आप एक बार तो सोचेंगे यार ये क्या चीज हो सकती है, चावल होगा, गेहूं होगा, कोई कपड़े का नाम होगा, नहीं। ये नीलगिरी में पाए जाने वाली, मैं बता रही हूँ लास्ट इसे 1888 में देखा गया था, यानी के 150 साल बाद ये मछली, वो ये तितली जो है लगभग हमने एक्सटिंक्ट की सूची में डाल दी थी। तो नीलगिरी में ये बटरफ्लाई आपकी मिली है दोबारा से, रॉयल, द ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई। बच्चों उसकी खास बात क्या है, देखिए तितलियों की खास बात क्या होती है, आज मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। तितली जो होती है ना, तितली का, हर तितली का एक होस्ट प्लांट होता है। होस्ट प्लांट का मतलब समझते हैं कि होस्ट प्लांट का मतलब होता है कि वो तितली ज्यादातर उसी पौधे पे बैठेगी या ज्यादातर उसी प्रजाति के पौधे पर अपना घर बनाएगी या उसे ही खाएगी या वहीं पर रहेगी। बात समझ आ रही है? तो बच्चों अगर वो प्लांट खत्म हो जाए तो वो तितली का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। तो ये माना गया कि जिस पौधे पे ये मिलती थी तो वो पौधा जो है एक्सटिंक्ट हो गया था, तो ये मान के चले जो हमारे जूलॉजिस्ट थे कि भाई अभी तितली तो देखिए 1888 के बाद नजर ही नहीं आई, और हर तितली का एक होस्ट प्लांट होता है, तो इसीलिए ये होस्ट प्लांट मिला नहीं तो तितली भी उनको दिखी नहीं। अब लेकिन वही है, डार्विन का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप अपने को माहौल के हिसाब से नहीं ढालेंगे तो आपका विनाश संभव है पूरी तरह, तो ये डार्विन की थ्योरी कहती है। तो भैया इस तितली ने क्या करा, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई का मतलब इसने अपना होस्ट प्लांट चेंज कर लिया। और मैं आज भी आपको बता दूं कि ये इसका मिलना बड़ा मुश्किल है, आप इसके सामने फोटो देख सकते हैं, इसका ऐसा लगता है देखने में जैसे दो मुंह है, पेस्टल कलर की होती है, बेज क्रीम कलर की है, और लगता है कि इधर से देख रही है और उधर से देख रही है, दोनों तरफ इसका मुंह आपको नजर आएगा, और इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इससे ज्यादा आपको जानने की। चलिए अगला एक और तितली के बारे में आपको बताती हूँ। ये तितली अगेन देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में ये मिली है, और जम्पुई पहाड़ियां दोबारा से चर्चा में आ गई, तो आप ज्योग्राफी में जम्पुई पहाड़ी के बारे में देख लेंगे, इस पहाड़ी के बारे में क्या खास बात है, इसके आसपास कौन सी नदियां बहती है, कौन से इंटरनेशनल नेशनल बॉर्डर यहाँ पर है, तो ये सारे कुछ आप देख सकते हो। त्रिपुरा के अंदर मिला है ये, 61 साल बाद दोबारा मिली है। इसका नाम है यप्तिमा वाटसोनी। इसके अंदर ये छल्ले छल्ले जो आपको दिखाई देते हैं, ये छल्ले ही इसकी पहचान है। और आज का जो अंतिम दो बचे हैं मेरे पास, दो तीन, वो आपको बता देती हूँ। बच्चों छिपकली आपको मिली है, नहीं, ये छिपकली का जो गला है ये ऐसा लगता है जैसे पंखा झल रहे हो आप, हाथ का पंखा होता है ना, ये देखिए मैंने लाल निशान बना रखा है इधर, तो ये ऐसा लगता है देखने में जैसे पंखा जल रही हो। ये कर्नाटका के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी मिली है, और इसका नाम, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि देखिए हमारी जब पूरी धरती बन रही थी तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने धरती के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम दे दिया, तो धारवाड़ का नाम आपने सुना होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, एज ऑफ अर्थ आप पढ़ते हो चैप्टर, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, धारवाड़, धारवाड़ चट्टाने। तो ये जो छिपकली है आपकी, ये जिस जगह पर पाई जाती है कर्नाटका में एक बगलकोट में, यहाँ पर धारवाड़ की चट्टाने पाई जाती है गाइज, ठीक है। अब मुझे धारवाड़ के बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है, सबको पता है, तो
तो जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स, उनको पता है धारवाड़ की चट्टान है, ये धरती का वो हिस्सा है जो आज से 2-3 बिलियन साल पहले धारवाड़ की चट्टाने एग्जिस्ट करती थी और आज भी करती है। तो ये उसी एरिया में जो छिपकली है आपकी, ये पंखे वाली छिपकली कहते हैं, और इसका नाम भी रखा गया सीता, सीता धारवाड़ेंसिस। इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके गले में पंखा है, पंखे वाली मैडम है ये, और ये छिपकली है, ये कर्नाटका में चट्टानों में आपको मिलेंगी, धारवाड़ की जो चट्टाने हैं वहां पर ये आपको मिलेंगी। जो बच्चे अभी अभी हमारी वीडियो पर आए हैं, लाइक शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला बताती हूँ बच्चों, एक पत्तों पे बैठने वाला एक फ्रॉग और मिला है अंडमान में। भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान के अंदर कोई भी चीज मिलती है नई प्रजाति, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये एक नया पेड़ों का मेंढक, पेड़ों पे बैठने वाला, पेड़ों के पत्तों पे बैठता है, और ये आपके श्रीलंका के एक टैक्सोनॉमिस्ट है, एक बायोलॉजिस्ट है। टैक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो प्रजातियों का नाम रखते हैं। साइंस के अंदर जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करके उसका नाम रखते हैं, तो आप उस विधा को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, है ना। तो श्रीलंका में जो एक आपके श्रीलंकन टैक्सोनॉमिस्ट है रोहन पेथिया गोड़ा, उनके नाम पर इस मेंढक का नाम रखा गया है रोहानी जैगलिस। रोहन, रोहन के नाम से मेंढक का नाम रोहानी जालस रखा गया है, रोहन पेथिया गोड़ा, जो श्रीलंका के एक मशहूर टैक्सोनॉमिस्ट है। ये बहुत छोटा है बच्चा जी, और इस मेंढक की खास बात ये है कि ये जो है, इनकी जो माँ है अपने बच्चों के साथ, जब तक पूरा हैचिंग होके बड़े नहीं हो जाते, जब तक इनके साथ इनकी जो माँ है अंडों की, मेंढकों की माँ इनके साथ घूमती रहती है। यहाँ पे मैटरनल केयर का एक नया केस देखने को मिला है, थोड़ा सा इसका बिहेवियर अलग होता है। और इसके पूरे शरीर पर आप देख सकते हो ये लंबी लंबी सफेद धारियां आपको दिखाई दे रही होंगी, सिर से पैर तक, ठीक है। और आज का लास्ट अपडेट आपके लिए है ये कछुआ, ये कछुआ पहली बार भारत में दिखाई दिया है। ये कछुआ है फ्लैप शेल कछुआ, और ये उड़ीसा के बालासोर जगह पे मिला है। अगेन इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये ऐसा कछुआ है जिसके शरीर में कोई पिगमेंट ही नहीं है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब होता है, आपने नॉर्मली कछुओं को देखा होगा, उनके अंदर हरा कलर होता है, लाल कलर होता है, लेकिन ये भारत के अंदर पहला ऐसा कछुआ मिला है जो पीले कलर का कछुआ है। और ये पीला इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर पीला रंग है, ये पीला इसलिए है क्योंकि इसके अंदर, जैसे हमारे अंदर बच्चों हम काले और गोरे हो जाते हैं, हमारा रंग डार्क हो जाता है, लाइट हो जाता है, उसके पीछे कारण होता है कि हमारे शरीर में मेलेनिन कितना है। तो ऐसे ही जानवरों के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं जो उनको कलर देते हैं। तो कछुए के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है टायरोसिन, प्लीज इसको नोट कर लीजिए अपने पास बच्चों। ये कंजेनिटाइल डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। डार्विन कहता है कि नई नई प्रजातियों का जन्म कैसे होता है? म्यूटेशन से, यानी कि जब जेनेटिक चेंजेस होते हैं, अचानक जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, तो उससे न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती है। ये डार्विन ने बोला था, न्यू डार्विनिज्म, यानी कि ह्यूगो डी व्रीज ने। तो यहाँ पे इस बंदे को, बेचारे को एल्बिनिज्म हो गया है, जिसे आज, जिसे आपने कई बार इंसानों में देखा होगा कि इंसान पूरे व्हाइट हो जाते हैं, इंडियन है तब भी पूरे व्हाइट हो जाते हैं, बाल भी सफेद, आंखों की पलके भी सफेद, नाक भी सफेद, कान भी सफेद, पूरे सफेद, ठीक है। सफेद रोग नहीं कह रही मैं, पूरा का पूरा मतलब बॉडी, जब से पैदा होते हैं बॉडी के अंदर कालापन कहीं नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एल्बिनिज्म, एंड एल्बिनिज्म इज बेसिकली अ जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर में बार बार आपसे बोलती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा कहीं पढ़ लें, और मेरी भी क्लासेस में पढ़ाती हूँ, देख लें। तो दिस इज द लास्ट अपडेट, और ये पूरे साल के मैंने प्लांट्स एंड एनिमल्स गाइज 3 पार्ट्स में कवर कर दिए हैं, आज ये लास्ट एंड थर्ड पार्ट था। तो आई गेस ये पूरा सीरीज आपको फायदा करेगा, ये पूरा सीरीज आप नोट कर लें, और इस पूरे सीरीज को एक बार रिवाइज कर लें आप ढंग से, और ये सारे नाम और सारे क्रिएचर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलती हूँ आपसे प्लस क्लास में थोड़ी देर बाद, जब तक रखिए अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।